आपने श्याम से बात की? नहीं, अभी नहीं की। आप नहीं तो कब करेंगे आप? कोई ना सुबह से जाने की तैयारी में लगी हुई है। उसे उससे बात करने के लिए उसे बुलाया, बस आते ही। क्या बात है भाई, मियाँ बीवी में कुछ खास बात हो रही? क्या मैं जान सकता हूँ क्या बात हो रही? नहीं, अगर बताने जैसी बात है तो। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। श्याम, श्याम, अगर इस घर में कोई ना किसी की बात मानती है तो वो तुम हो। उस दिन हमने कोयना से लाख मिन्नतें की। रघु ने उससे कितना कहा कि वो दो दिन के लिए रुक जाए, लेकिन उसने हमारी एक नहीं मानी। तुमने उससे कहा और वो फौरन रुक गई। बिल्कुल मानेगी, उसका श्यामू चाचा जो हूं। मेरी बात कभी नहीं टालती वो। श्याम, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम कोयना से ये कहो कि हॉस्टल में रहने का इरादा बदल दे। उससे कहो कि वो हॉस्टल ना जाए, यहीं रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर ले। आप लोगों क्या लगता है, वो मेरी ये बात मान लेगी? उस दिन तो उसने तुम्हारी बात मान ली थी ना। उस दिन की बात कुछ और थी भाभी। उस दिन उसे मालूम था कि उसे आज नहीं तो कल हॉस्टल जाना ही। लेकिन अब अगर उसे यहां मैं रुकने के लिए कहूंगा तो मुझसे भी उसी तरह से नाराज हो जाएगी जिस तरह से आप लोग उसे हॉस्टल ना भेजने की वजह से। श्याम, हम उससे जोर जबरदस्ती करने को नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम एक बार उससे बात करके तो देखो, उसे कहकर तो देखो। नहीं मानी तो ना सही। भाभी, ये बात मैंने उससे तब भी कही थी जब उसने पहली बार हॉस्टल जाने की जिद की थी। कहां मानी थी मेरी बात? तब हार के मैंने आखिर में रघु से कहा था कि उसे हॉस्टल भेज दे, उसे यहां जबरदस्ती रखना ठीक नहीं है। भाभी, मुझे अचानक ऐसा लगने लगा है कि कोयना बड़ी हो गई है। क्यों श्याम, तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा है? क्योंकि वो अपने फैसले खुद करने लगी है। हॉस्टल जाने का फैसला या जिद, जो भी हो, वो उसकी अपनी है। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि उसे इस फैसले से रोकना, कोयना को अपने आप से दूर करना होगा।